तो दोस्तों फाइनली आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रियलमी 9 प्रो स्मार्टफोन के बारे में। अब इसका जो फर्स्ट लुक और लाइव पेज है वो निकल करके आ चुका है। यहाँ पर अबाउट वाला जो सेक्शन होता है उसका पूरी तरह से पेज यहाँ पर लीक हो गया है, जैसा कि आप इस इमेज में यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको साफ साफ रियलमी 9 प्रो स्मार्टफोन का नाम लिखा हुआ दिख जाएगा और स्मार्टफोन की कुछ और भी डिटेल्स दी गई हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे और एक्चुअल में आपको पीछे की तरफ से किस तरह का डिजाइन यहाँ पर देखने को मिलेगा पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ, और कब ये स्मार्टफोन इंडिया मार्केट लॉन्च किया जाएगा उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर रियलमी के बहुत बड़े फैन है या फिर रियलमी के 9 सीरीज का बहुत ही बेसब्री से इंडिया लॉन्च के लिए वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो खास आप ही के लिए होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एज टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को एक बात मैं कंफर्म करा देता हूँ कि आज सुबह ही मैंने यहाँ पर अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करके बताया था कि रियलमी के 3 नए हीरो जो है वो आने वाले हैं, रियलमी 9 आई, रियलमी 9 प्रो एंड रियलमी 9। ये तीनों स्मार्टफोन बहुत जल्द इंडिया मार्केट में आने वाले हैं, जिसमें से कि रियलमी का 9 आई स्मार्टफोन ऑलरेडी 18 जनवरी को इंडिया मार्केट में लॉन्च होने वाला है, जो कि फ्लिपकार्ट पर टीज कर दिया गया है। फ्लिपकार्ट ने आपने उसका टीजर जो है देख भी लिया होगा आप फ्लिपकार्ट यूज करते हैं। तो साथ ही हम रियलमी के 9 प्रो स्मार्टफोन की कुछ स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाती है वो काफी कमाल की होने वाली है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर रियलमी का जो लाइव पेज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको डिवाइस का जो नेम है वो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ दिख जाएगा, रियलमी 9 प्रो। लेकिन दोस्तों इसके अलावा और कुछ डिटेल जो निकल कर आई है वो भी काफी अच्छी होने वाली है। बस यहाँ पर प्रोसेसर के बारे में थोड़ी सी डिटेल जो निकल कर नहीं आई है, अदरवाइज स्मार्टफोन की काफी कुछ स्पेक जो निकल करके आ चुकी है। अब देखिए, आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप ऐसी ही स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो रोजाना देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस रोजाना मिलती रहती थी। अब बात करते हैं फुल स्पेस के बारे में। अब देखिए यहाँ पर इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि स्मार्टफोन जो वेरिएंट आने वाले हैं ना वो 128 GB स्टोरेज के साथ में आने वाले हैं। यहाँ पर स्मार्टफोन 2 वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, रियलमी 9 प्रो स्मार्टफोन में 6 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज और 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज, आपको इस तरह से 2 वेरिएंट स्मार्टफोन के देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा हुआ दिख जाएगा, यहाँ पर आपको अप टू 4 GB तक की जो है वर्चुअल रैम देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी सही रहने वाली है। इससे आपकी जो थोड़ी सी परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए बताया जा रहा है कि इसका एक 5G वेरिएंट आएगा और एक 4G आएगा। 4G वेरिएंट में कौन सा प्रोसेसर होगा उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी डिटेल्स निकल करके नहीं है। लेकिन जो 5G प्रोसेसर होने वाला है ना वो यहाँ पर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 देखने को मिलेगा, जो कि डुअल 5G के साथ में आता है और क्वालकॉम का बजट वाला 5G प्रोसेसर होने वाला है। इसी प्रोसेसर के साथ में रियलमी 9 प्रो का 5G वेरिएंट जो वो आने वाला है। अब ऐसा भी हो सकता है कि रियलमी 9 प्रो इस प्रोसेसर के साथ में आपको देखने को मिल जाए, हो सकता है कि कोई 700 सीरीज का बजट वाला प्रोसेसर क्वालकॉम लॉन्च कर दे और उसके साथ में आपको रियलमी का 9 प्रो स्मार्टफोन देखने को मिल जाए। बहरहाल कंफर्म यह है कि यहाँ पर रियलमी 9 सीरीज में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 वाला प्रोसेसर 100% देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों रियलमी 9 प्रो प्लस स्मार्टफोन के बारे में भी कुछ भी डिटेल्स निकल करके नहीं आई है, तो उसके बारे में इस वीडियो में कुछ भी आपको नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन के पीछे का डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर इमेज आपको ब्लर दिख रही होगी, तो इसमें आपको ठीक से देख नहीं पा रहा होगा। लेकिन अब जो यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको क्लियर स्मार्टफोन का डिजाइन देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सही है। और अगर आप स्मार्टफोन ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलेगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है सुपर एमुलेट का इस्तेमाल इस स्मार्टफोन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों स्मार्टफोन के बारे में फिलहाल इतनी ही जानकारी थी, इससे रिलेटेड कुछ और डिटेल्स निकल करके आएगी तो हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।